कबाब बना रही हूँ, चिकन के शामी कबाब। चिकन में डाल दिए, मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अब हल्दी डालूंगी 1 चम्मच, धनिया पाउडर ये जाएगा 1 चम्मच, और जीरा 1 चम्मच डालूंगी। चने की दाल है, 1 घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था, अब ये जाएगा इसमें। ईद के लिए बना के रख रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, बड़े बड़े पीस है चिकन के, छोटे मैंने नहीं किए, वैसे गल जाएंगे, अच्छे लगेंगे, बोनलेस नहीं है, हड्डी वाला है चिकन भी, अच्छा लगेगा। अब इसमें होल वाली लाल मिर्च जाएगी, डालूंगी 10-12 मिर्चे हैं लाल वाली, ये इसमें गई। दाल और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाएगा, फिर इसकी शाम में बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसको कवर करूंगी। 1 पूरी चिकन थी मैंने इसमें डाली थी, 1 पाव दाल डाली थी, और मसाले सारे जो भी होते हैं सूखे मसाले वो डाले। अब हमारे ये बन जाएंगे, गल जाएंगे अच्छी तरह, फिर मैं इसको बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। कवर कर रही, बड़ी प्लेट ली है मैंने, दाल भी गल गई है और चिकन भी वो भी गल गया है, अब इसको मैं निकालूंगी प्लेट में, बड़ी प्लेट ली है, दिखाऊंगी फिर बना के आपको दिखाऊंगी। चिकन भी गल गया और दाल भी गल गई, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए थे। इसमें मैंने ग्राइंडर में नहीं पीसा, ऐसे ऐसे चमचे से मैं उसको कूट रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए तो अच्छे बन गए, फिर पीसने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत अच्छा बना। अब इसकी टिक्कियां बनाऊंगी, शामियां बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी जो जो चीजें इसमें डालूंगी। अब ये तो बिल्कुल गल गया था, बहुत अच्छा बन गया, देखे दाल भी गल गई और चिकन भी, पीसने की जरूरत ही नहीं थी ग्राइंड में इसको। शामी कबाब मैंने बना लिए हैं, इसको कूटा है हंडोई से अच्छी तरह चमचे से, ग्राइंडर में पीसा नहीं है, गल गए थे बिल्कुल, दाल भी गल गई थी और चिकन भी। अब इसमें मैं ये मसाला डालूंगी, मसाला नहीं है, अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें, भर के चमचा मैं डालूंगी। कबाब मसाला ये जाएगा इसमें, धनिया, हरे धनिया, हरी मिर्च बारीक काट के ये जाएंगे इसमें, और ये 2 अंडे लिए हैं मैंने, ये भी डालूंगी इसमें, मिक्स करूंगी हाथों की मदद से। हड्डियों वाला गोश्त लिया था मैंने, बोनलेस नहीं लिया था, तो अच्छे जायका, अच्छा बनता है, अच्छे बनते हैं शामी कबाब। अब इसके कबाब बनाना शुरू करूंगी, कबाब बनाऊंगी, जिस साइज आप बनाना चाहते हैं उस साइज आप बनाए। डिश में रखती जाऊंगी, बर्तनों को एक तरफ करूंगी, डिश को करूंगी यहाँ पे, अब बना के रखती जाऊंगी। बहुत अच्छे बनते हैं, सब घर वाले शौक से खाते हैं शामी कबाब, चिकन के और चने की दाल के, टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें। आप भी ट्राई करके देखें, बना के देखें, बहुत अच्छे बनेंगे, पसंद आएंगे आपको, हमें तो बहुत पसंद है। लेकिन शामी कबाब बन के तैयार हो गए, इसको अब मैं फ्रीजर में रखूंगी, जब भी दिल चाहेगा तो निकाल के बना लेंगे। आइए इसको फ्रीजर में रखती हूँ,
खोल नहीं रहा तो यहाँ देखो इस फ्रीजर में चाहे तो मैं यहाँ पे रख लूंगी फ्रीजर में, जब भी दिल चाहेगा निकाल के बच्चे खा लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो हमारी पूरी देखा करें।